वर्तमान में वैज्ञानिक और शोधकर्ता रिवर्स एजिंग पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई निश्चित फॉर्मूला अभी तक उपलब्ध नहीं है, जो उम्र को पूरी तरह से उलट सके। हालांकि कुछ तकनीकें और उपचार विकसित किए गए हैं जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं या कुछ हद तक उसके असर को कम कर सकते हैं। सेल रीजनरेशन, स्टेम सेल और जीन थेरेपी के माध्यम से पुरानी कोशिकाओं को फिर से सक्रिय करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे शरीर की मरम्मत और पुनर्जीवन प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। सिरेन ट्रीटमेंट, सिरेनसेंट कोशिकाओं, पुरानी और निष्क्रिय कोशिकाओं को हटाने के लिए दवाइयां विकसित की जा रही हैं। इनका उपयोग एजिंग के असर को कम करने में कारगर साबित हो सकता है। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन और पोषण, कुछ शोध बताते हैं कि नियंत्रित कैलोरी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर आहार एजिंग को धीमा कर सकता है। रेपेमिकिन और मेटफॉर्मिन, ये दवाइयां इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार और कोशिकीय प्रक्रिया को मजबूत करके उम्र बढ़ने की गति को धीमा करने में मददगार साबित हो सकती हैं। जेनेटिक रिसर्च और क्रिस्पर, जीन एडिटिंग टूल्स जैसे कि क्रिस्पर के माध्यम से जीनों में बदलाव कर उम्र बढ़ने से जुड़े कुछ जीन को कंट्रोल किया जा सकता है। वैज्ञानिक समुदाय ने कुछ सकारात्मक प्रगति हासिल की है, परंतु अभी भी इन तरीकों को व्यापक रूप से उपयोग में लाने और इसे पूर्ण रिवर्स एजिंग फॉर्मूला के रूप में मान्यता देने के लिए और शोध की जरूरत है। एजिंग की जैविक प्रक्रिया, यहाँ हम यह समझेंगे कि कोशिकाएं कैसे पुरानी और निष्क्रिय हो जाती हैं और डीएनए के डैमेज होने से शरीर की क्षमताएं कैसे प्रभावित होती हैं। प्राकृतिक विधियां जो उम्र बढ़ने को धीमा कर सकती हैं। उचित आहार, एक्सरसाइज और मानसिक स्वस्थता के उपाय और किस प्रकार ये लंबी उम्र और स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। मॉडर्न चिकित्सा पद्धतियां और अनुसंधान, स्टेम सेल और जीन थेरेपी जैसे उभरते हुए उपचार, रेपेमिकिन और मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयां तथा सिरेनसेंट कोशिकाओं को हटाने के उपायों पर विस्तार, उभरती टेक्नोलॉजी और भविष्य की संभावनाएं, क्रिस्पर और अन्य जीन एडिटिंग तकनीक, एआई आधारित पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और अन्य संभावित भविष्य के उपचार, चुनौतियां और नैतिक प्रश्न। रिवर्स एजिंग की नैतिकता, इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव तथा इसके परिणामस्वरूप आने वाली संभावित समस्याएं।